हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं प्रतीक और इस वक्त हम इवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में हम ऑफ इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इवोल्यूशन की शुरुआत एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से हुई थी और आज इस तरह के एक लिविंग वर्ल्ड का निर्माण हुआ जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी है इस इवोल्यूशन के कई प्रकार के एविडेंसेस आज अवेलेबल है जो इवोल्यूशन थे वैलिडिटी को प्रूव करते हैं फर्स्ट देर आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मॉर्फोलॉजिकल मीन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशन रिलेटेड स्ट्रक्चर नेक्स्ट इज एनाटोमिकल इविडेंट्रक्चर वेस्टिजल ऑर्गन वेस्टिजल ऑर्गन मीन्स यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बिना किसी पर्पज से है और किसी भी प्रकार का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे है उसे वेस्टिजल ऑर्गन कहा जाता है नेक्स्ट इज पैलियोटोलॉजिकल इविडेंसेस Means, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ग्रुप के कैरेक्टर्स का होना लास्ट इज इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस अलग अलग वर्टिब्रेट्स में इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस हमें बताते है कि इन सब का ओरिजिन कॉमन है इन सारे पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें सो फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस अगर आप इन एनिमल्स और प्लांट्स की पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे यू विल नोटिस सम सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पोजिशन ऑफ आईज ऑन बॉडी एक्सेट्रा अगर प्लांट्स की बात करें तो लिप शेप लिफ वेनेशन लिफ पेटियोल इन सब में सिमिलैरिटीज को देखा जा सकता है लिप वेनेशन मीन्स वेन्स का पैटर्न या फिर अरेंजमेंट ऑफ वेन्स वेन्स वो होती है जो प्लांट्स में फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्ट का, का काम करती है दिस पार्ट ऑफ लिफ इज कॉल्ड एज लिफ पेटियोल

कैट यूज फॉर लेग वॉकिंग फाइटिंग एक्सेट्रा बैट फ्लाइंग के वक्त करते हैं फ्लिपर्स वेल को पानी के अंदर इजी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं हो सकता है सर्वाइवल इन्होंने इन ऑर्गन्स का यूज इन तरीकों में करना शुरू किया बट ये सारे ऑर्गेन्स जिन बोन्स से बने हैं दोज बोन्स इज सिमिलर इवन ज्वाइंट एंड बोन्सोर सेम दिस थिंग इंडिकेट दैट दिज ऑर्गेनिज्म वेस्टिजल ऑर्गन वेस्टिजियल मीन यूजलेस ऑर्गन ह्यूम की बॉडी के अंदर ऐसे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है जो इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ हिंट्स हमें देते हैं देखते है की ये कौन से ऑर्गन है और इनसे क्या कंक्लूजन निकलते हैं अपेंडिक्स मसल्स ऑफ इना टेल बोन विजडम टीथ बॉडी हे ह्यूमन बॉडी में इन्हें वेस्टिजल ऑर्गन माना जाता है क्यूँकी प्रेजेंटली किसी भी प्रकार के बॉडी फंक्शनिंग में इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती अपेंडिक्स लोअर एबडोम के अंदर होता है उटर पोर्शन ऑफ इज इयर पिना टेल बोन इज लोकेटेड एट दॉटम ऑफ यूर स्पाइन विजडम टीथ विच आर एट दैक साइड ऑफ यूर माउथ एपेंडिक्स का ह्यूमन बॉडी में कोई रोल नहीं बट इट इज फुली फंक्शनल ऑर्गन इन र्यूमेन्ट्स लाइक काउ डियर गोड चिराफ एक्सेट्रा मसल ऑफ इना आर यूजलेस इन ह्यूम बट यूजफुल इन मंकीज मंकीज अपने इयर्स की मूवमेंट कर सकते हैं इन मसल्स का यूज करके एनिमल्स में टेल का यूज इंपॉर्टेंट है

उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास रेगुलर टीथ सफिशियंट है बॉडी हेयर एनिमल्स में ठीक होते हैं और डेंस होते हैं जो उन्हें एडवर्स हैं एक्सट्रीम प्रोटेक्शन बट इन केस ऑफ ह्यूम बॉडी हेयर शो एनी फंक्शन सो इट इज अल ऑर्गन अब सवाल यह है कि बिना किसी वजह के क्यों है लेट्स प्रोसेस कोई भी सडन चेंज यहाँ नहीं होता जैसे डेवलपमेंट ऑफ न्यू चेंजेस हमारी हैं और बाकी सिचुएशन में इनका यूज नहीं हो पाता सपोज एक वॉरियर के पास वेपन है तो वॉरियर सिचुएशन में वेपन बाहर निकालेगा जब उसके दुश्मन उसे घेर लेते हैं या किसी तरह का खतरा वो महसूस करता है और बाकी सिचुएशन में वेपन इज यूजलेस या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आती तो वेपन यूजलेस है ठीक उसी तरह ऐसे बॉडी पार्ट आर नो लॉन्गर इन यूज टू डिजेनरेट एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इन फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिस ऑर्गन आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिस इन डिफरेंट एनिमल्स यही रीजन है कि इस तरह के कुछ वेस्टिजल ऑर्गन जो कुछ ऑर्गेनिजम्स में नॉन फंक्शनल होते हैं और कई ऑर्गेनिजम्स में इन्हें फंक्शनल पार्ट के रूप में देखा जा सकता है नेक्स्ट इज पैलियोटोलॉजिकल एविडेंसेस अब आप सोच सकते हैं कि ये इतनी पुरानी बातें हैं मिलियंस ऑफ इयर्स एगो उस वक्त किस प्रकार के जीव कौन से जीव अर्थ पर थे कोई कैसे बता सकता है तो इस सवाल का जवाब अर्थ के अंदर छुपा हुआ है फॉजिक्स के फॉर्म में इनके इम्प्रेशन अर्थ के अंदर पाए गए हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बड़ी ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड

उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनके हैबिटेट्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में फॉजिल स्टडी के बाद ये सामने आया है कि वर्टिब्रेट्स का प्लांट्स में ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिससे वो दो अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़े जाते हैं दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिपैटिस -like रेक्टर्स पेरिपैटस में देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही पेरीपैटस में एंथ्रोपोड के भी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ट्रक्यूल रिस्पेरेशन एंड ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम दिस इंडिकेट दैट पेरिपैटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड एर्थरो डग बिल्ड प्लेटिप लेक रेपाइल्स जैसे रेप्टाइल्स मीन क्रोकोडाइल स्नेक्स रिप्रोडक्शन के लिए अंडे देते हैं फिर उनसे ऑप्श्रिंग्स बाहर निकलते हैं इनके और रेप्टाइल्स के बीच में ये सिमिलैरिटी है लेकिन डग बिल प्लेटिप के पास मेमरी ग्लैंड होती है और इनके हेयर्स होते हैं विच आर कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स नेक्स्ट इज लंग फिश एक फिश होने के बावजूद लंग फिश में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है दिस इंडिकेट्स दैट मैमल्स आर इवॉर्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेज नेक्स्ट पॉइंट इज इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इम्ब्रियो मतलब वो स्टेज होता है जहाँ से ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है इस डायग्राम में इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस हम देख सकते हैं जो वर्टिब्रेट्स फॉलो करते हैं

So, please don't forget to like, share, and subscribe our channel. Thank you so much for watching this video.